प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असादुद्दीन ओवैसी के बारे में। उनको कौन नहीं जानता। वो भारतीय राजनीतिक हैं। वे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओवैसी साहब इन दिनों काफी चर्चा में हैं कि उन्होंने संसद में शपथ लेते वक्त जय फिलिस्तीन और अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। उसके बाद में उनके साथ में जो होना शुरू हुआ और फिर अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि यह सब जान करके आप हैरान रह जाएंगे। यह बात तो आप जानते ही हैं कि ओवैसी साहब कौन हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा करने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत होती है। तो पूरा मामला क्या है, आइए आपको तफसील से बताते हैं। दोस्तों, आज जो सच्चा मुसलमान होगा, जिसके दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी होगी, वही इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखेगा और ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कहीं पर भी कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ होता है तो सिर्फ एक ही नाम सामने उभर करके आता है, वह है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी, जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब वो हस्ती हैं जो मुसलमानों की आवाज को बुलंद करते हैं, मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद से BA तक की पढ़ाई की है और उसके बाद से लंदन चले गए। वहां पर उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ बैरिस्टर 8 लॉ की पढ़ाई की। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि वह वकील भी हैं। ओवैसी साहब पहली बार 2004 में हैदराबाद के लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। उसके बाद वह 2009 और 2014 में आम चुनाव में भी हैदराबाद क्षेत्र से सांसद चुने गए और 2019 के आम चुनाव में वह अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फिर से हैदराबाद क्षेत्र से उम्मीदवार हुए। और फिर जब इस बार 2024 में इलेक्शन हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद से बड़ी जीत हासिल करी और संसद में अपनी सीट को पक्का किया। लेकिन 25 जून को शपथ लेने के दौरान ओवैसी साहब ने शपथ लेने के बाद जय भीम जय मीम जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन बोला। उसके बाद में तकबीर अल्लाहू अकबर पर अपनी बात को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन बोला तो सांसद में हंगामा हो गया। जितने भी BJP के सदस्य थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और तब से लेकर अब तक न जाने क्या क्या ओवैसी साहब पर टिप्पणी की जा रही है। कुछ लोग ओवैसी साहब को हमास का आदमी बता रहे हैं तो कुछ लोग पाकिस्तान का आदमी बता रहे हैं और काफी गालियां भी दे रहे हैं। यहां तक के राष्ट्रपति के पास भी यह सिफारिश कर दी गई है कि ओवैसी साहब की संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाए। लेकिन दोस्तों, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर जय फिलिस्तीन का नारा लगाना हिंदुस्तान में कोई जुर्म होता तो ओवैसी साहब ऐसा कभी ना करते, क्योंकि ओवैसी साहब कोई जाहिल नहीं है बल्कि उन्होंने लंदन से वकालत की डिग्री हासिल किया है और ऐसा करने से पहले उन्होंने काफी सोचा समझा होगा तब जाकर के उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। अगर यह हमारे संविधान के खिलाफ होता या हमारे कानून के खिलाफ होता तो ऐसी बात ऐसी हरकत ओवैसी साहब कभी ना करते, क्योंकि वह संविधान और कानून को पालन करने वाले शख्स हैं। लेकिन उनके खिलाफ मीडिया पर और सोशल मीडिया पर काफी बातें चलाई जा रही हैं, उनके सदस्यता को रद्द करने की बात की जा रही है, यहां तक के उनको जेल में डालने या उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे इंसान हैं और उन्होंने जो भी किया है संविधान और कानून को मध्य नजर रखते हुए ऐसा किया होगा। ओवैसी साहब को लेकर के वैसे भी बहुत सी बातें चलाई जाती हैं। हमारे कुछ मुसलमान भाई ही हैं, उन्हें भाजपा का दलाल कहते हैं, उन्हें BJP से पैसे खाए हुआ बोलते हैं। इन सब बातों के बावजूद भी ओवैसी साहब पीछे नहीं हटे। उनके ऊपर कई बार गोलियों से हमले भी किए गए लेकिन फिर भी वो डटे रहे। बस आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ओवैसी साहब को सलामत रखें, उनकी हिम्मत में इजाफा करें, उनको हमारा लीडर बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा और ओवैसी साहब के चाहने वालों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।